नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी। आइए देखते हैं नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। एक नारियल ले लें, इस तरीके से इसको टुकड़ों में काट लें। अगर आप नारियल को टुकड़ों में काट लेंगे तो इसको मिक्सी करने में आपको आसानी रहेगी। दो हरी मिर्च और एक अदरक का ले लें इस तरीके से। चने की दाल ले लें, इसको थोड़ा रोस्टेड कर लें, थोड़ा उसमें भून लें आप तवे में हल्का सा। और कड़ी पत्ते ले लें 8-10, नमक, उड़द की दाल, तेल, लाल मिर्च और राई ले लें। राई में थोड़ा सा आप जीरा मिला लें। इस नारियल को हम मिक्सी में डाल लेंगे। नारियल के बाहर का छिलका उतार लें आप और उसको इस तरीके से बारीक काट लें ताकि ये मिक्सी करने में आसानी रहती है। मिक्सी में डाल लें और दो हरी मिर्च को भी काट लें इस तरीके से बारीक बारीक। अदरक के इस टुकड़े को भी आप काट लें इस तरीके से, इस तरीके से। और एक छोटा चम्मच चने की दाल जिसको हमने भून लिया है हल्का सा, इसको डालेंगे। और नमक 1/2 छोटा चम्मच। और थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे। सब चीज में डालकर हम इसको अब मिक्सी करेंगे। अब हमारी चटनी बनकर तैयार है। मिक्सी को बंद कर दें और देख लें इस तरीके से ये बिल्कुल बारीक हो चुकी है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरीके से नारियल की चटनी थोड़ा थिक होती है हमारी। अगर आपको लगे ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, पर ये बिल्कुल सही है। इतनी बनाएं आप इस तरीके से। अभी चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। आइए देखते हैं तड़का लगाते हैं इसका। आइए हम इसमें तड़का लगाते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन कर लें। इसमें बर्तन रख लें आप और इसको थोड़ा गर्म होने दें। और इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डालें। तेल बहुत ज़्यादा ना डालें, 1 छोटा चम्मच बहुत है। अब हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च को थोड़ा बीच में इस तरीके से तोड़ दें। 2 ले लें लाल मिर्च इस तरीके से। और इसको थोड़ा भुनने दें, थोड़ा इसको ब्राउन होने दें। अब हम इसमें डालेंगे राई और जीरा भी ले लें थोड़ा। 1 चम्मच राई और जीरा मिक्स करके डाल दें इसे। चाहे तो आप इसमें एक चुटकी हींग भी डाल सकते हैं। गैस को कम कर दें बिल्कुल। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल डालेंगे। अब इन सबको हम भून लेंगे। गैस को आप बिल्कुल कम रखें ताकि ये जले ना। और इसको 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि उड़द की दाल हमारी अच्छी से भून जाए इसमें। अभी दाल हमारी भून चुकी है। अब हम इसमें ये कड़ी पत्ता डाल देंगे। 7-8 कड़ी पत्ते ले लें उसको इस तरीके से इसमें डाल के इसको भी भून लें। बस को 1/2 मिनट भूनें। अभी हमारी भून चुकी है। गैस को आप बंद कर दें। अभी तड़का हमारा ठंडा हो चुका है। इस तड़के को हम इस चटनी में डालेंगे इस तरीके से। चटनी में डाल दें और उसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अभी हमारी चटनी बनकर तैयार है, बिल्कुल तैयार है चटनी बनके। इसमें हम कड़ी पत्ते से इस तरीके से 2 कड़ी पत्ता
अभी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। अब आप इसे इडली के साथ खा सकते हैं, चाहे तो डोसे के साथ खा सकते हैं, और ये चटनी आप ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। अभी नारियल की चटनी हमारी बनकर तैयार है, आप इसको नारियल के इसमें भी आप सर्व कर सकती हैं, इसमें डाल के इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं। और भी रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपने अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।